हाय फ्रेंड्स, मैं आरती। आप सभी का आपके अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है नेट का है और इसमें हम पेपर वन ले रहे हैं और जिसमें हम आज पढ़ेंगे शिक्षण अभिवृत्ति। और शिक्षण अभिवृत्ति के अंतर्गत हम पढ़ेंगे शिक्षण सहायक सामग्री यानी टीचिंग एड्स। वेरी इंपॉर्टेंट ये आपका कंटेंट है, तो चलिए फिर इसको समझते हैं और देन इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा वो इसी का MCQ होगा। तो चलिए फिर समझते हैं और देखते हैं शिक्षण सहायक सामग्री कौन कौन सी होती है। लेकिन उसके पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और आपसे गुजारिश है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। चलिए फिर देखते हैं शिक्षण सहायक सामग्री। फ्रेंड्स, तो चलिए देखते हैं शिक्षण सहायक सामग्री के बारे में, पढ़ते हैं और समझते हैं। लेकिन यहाँ पे हम आपको बता दें कि एज ए टीचर के रूप में टीचिंग एड्स जो होते हैं वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि अध्यापन के दौरान पाठ सामग्री को समझाते समय शिक्षक जिन जिन सामग्रियों का प्रयोग करता है, टीचिंग एड्स होते क्या हैं। तो जब एक टीचर अपनी क्लास में स्टूडेंट को पढ़ाता है तो उस समय पढ़ाते वक्त वो जिन जिन सामग्रियों का उपयोग करता है वो सहायक सामग्री कहलाती हैं। ठीक है ना, क्या कहलाती हैं? सहायक सामग्री कहलाती हैं। किंतु आधुनिक शिक्षा प्रणाली में सहायक सामग्री के संबंध में कई नवाचार हुए हैं जिनकी सहायता से अध्ययन को रोचक और प्रभावपूर्ण बनाया जा सकता है। नवाचार का मतलब बहुत सारे ऐसे आविष्कार हुए हैं, बहुत सारी नई नई चीज़ें जोड़ी गई हैं किसमें, अध्ययन सामग्री में। इन सामग्रियों द्वारा सीखा ज्ञान न केवल छात्रों में उत्साह जागृत करता वरन सीखे हुए ज्ञान को लंबे समय तक अपने स्मृति पटल में सजोए रख सकता है। तो जो हम ज्ञान टीचिंग एड से सीखते हैं वो जो ज्ञान होता है वो हम आगे भी लंबे समय तक उसको याद रख सकते हैं। सहायक सामग्री के प्रयोग के समय शिक्षक भी अपने अध्यापन के प्रति उत्साहित रहता है और परिणाम स्वरूप कक्षा का जो वातावरण होता है सदैव सकारात्मक बना रहता है। यहाँ पे कार्टर एडगुड ने भी कहा है कि कोई भी ऐसी सामग्री जिसके माध्यम से शिक्षण प्रक्रिया को उद्दीप्त किया जा सके यानी जगाया जा सके, ठीक है ना, अथवा श्रवणेंद्रीय संवेदनाओं के द्वारा आगे बढ़ाया जा सके, शिक्षण सामग्री कहलाती है। तो यानी कि ऐसा एक मेथड जब क्लास में पढ़ा रहे हों और जिसके माध्यम से बच्चे जागृत हों, जिसके माध्यम से बच्चे थोड़ा उसमें इंटरेस्ट लें, ठीक है ना, उनकी जिज्ञासा बढ़े और जो श्रवणेंद्रियाँ होती हैं यानी कि जो हमारी सुनने की समझने की क्षमताएँ होती हैं उनको बढ़ाया जाए, वही शिक्षण सामग्री कहलाती है। चलिए यहाँ पर हम इसके प्रकार देख लेते हैं। शिक्षण सहायक सामग्री के प्रकार कौन कौन से होते हैं? जो क्वेश्चन आपका क्रिएट होता है वो इसी से क्रिएट होता है। ओके, तो चलिए यहाँ पे देखते हैं कि शिक्षण सहायक सामग्रियों के प्रकार कौन कौन से होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट ये आपका है और एग्जाम में इससे आपके क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। टाइप्स ऑफ टीचिंग एड्स में सबसे पहले हम ले लेते हैं तकनीकी के आधार पर। ओके, क्वेश्चन ऐसे क्रिएट होता है कि तकनीकी के आधार पर शिक्षण सहायक, निम्नलिखित में से तकनीकी के आधार पर शिक्षण सहायक सामग्री कौन सी है। ठीक है, तो देखिए तकनीकी के आधार पर सबसे पहले आपका सॉफ्टवेयर आता है और सॉफ्टवेयर में क्या क्या चीज़ें आती हैं ये भी तो इम्पोर्टेंट हो जाता है ना। तो देखिए सॉफ्टवेयर में चित्र जो होते हैं, ग्राफ, चार्ट, पुस्तक, मानचित्र जो होते हैं सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते हैं। और हार्डवेयर में जो है इसके अंतर्गत रेडियो, टेलीविजन, रिकॉर्ड प्लेयर, एंडियोस्कोप और प्रोजेक्टर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये हैं आपके, एपिडियोस्कोप और प्रोजेक्टर इत्यादि आते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके ये हैं। इसमें से 100% प्लेयर और एपिडियोस्कोप के बारे में पूछा जाता है कि किसके अंतर्गत, किस तकनीक के अंतर्गत आता है, ठीक है ना, किस सहायक सामग्री के अंतर्गत आता है, तो तकनीकी के अंतर्गत आता है। तकनीकी में किसके अंतर्गत आता है, तो ये हार्डवेयर के अंतर्गत आता है। ऐसे क्वेश्चन क्रिएट किया जाता है। देखिए यहाँ पर शिक्षण सहायक सामग्रियों के प्रकार दिए हुए हैं। अगर हम मेन शिक्षण सहायक सामग्रियों के प्रकार की बात करते हैं तो ये तीन तरह की होती हैं। यहाँ पे श्रव्य साधन होते हैं, दृश्य साधन होते हैं, श्रव्य दृश्य साधन होते हैं, जो वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं। अब यहाँ पे यदि हम श्रव्य साधन के अंतर्गत देखते हैं कि श्रव्य साधन के अंतर्गत क्या क्या आता है, तो देखिए रेडियो, टेप रिकॉर्डर, ग्रामोफोन या लिंगुआ फोन। श्रव्य का मतलब ही होता है सुनना, तो जिसे सिर्फ हम सुनते हैं कान से, ठीक है ना, जिसे हम सुन सकते हैं देख नहीं सकते हैं वो श्रव्य साधन होते हैं। तो रेडियो को हम सुनते हैं, टेप रिकॉर्डर सुनते हैं, ग्रामोफोन लिंगुआ फोन को हम सुनते हैं। इसी तरह से दृश्य साधन जिसे हम देख सकते हैं, देख के हम पढ़ते हैं, जिसे हम सुन के पढ़ते हैं श्रव्य साधन, और जिस सहायक सामग्री के, जिस सहायक सामग्री को हम देख के पढ़ते हैं वो दृश्य साधन के अंतर्गत आएगा। जैसे चार्ट को हम देखते हैं, मानचित्र हो गया, प्रतिमान हो गया, फिल्म स्ट्रिप प्रोजेक्टर हो गया, ग्राफ्स हो गया, ये क्या हो गई, इन्हें हम देख के क्या करते हैं, पढ़ते हैं, तो ये क्या हो जाएंगे, दृश्य साधन के अंतर्गत आ जाएंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चित्र एवं रेखा चित्र हो गया, पत्र पत्रिकाएं हो गई और फ्लैश कार्ड्स हो गई, ये किसके अंतर्गत आते हैं, दृश्य साधन के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि इन्हें हम देख के पढ़ते हैं। अब यहाँ पे जो थर्ड है ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, श्रव्य दृश्य साधन दोनों के मिला के कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिन्हें हम देखते भी हैं और सुनते भी हैं, तो वो श्रव्य दृश्य साधन के अंतर्गत आ जाती हैं। ठीक है, तो जैसे चलचित्र एवं सिनेमा,
ठीक है, ये किसके अंतर्गत आ गया? श्रव्य दृश्य साधन के अंतर्गत, क्योंकि इसमें हम देखते भी हैं और पढ़ते भी हैं। समाचार हो गया, टेलीविजन हो गया, श्याम पट्ट हो गया, वास्तविक पदार्थ हो गया, ठीक है ना। ये सभी चीजें श्रव्य दृश्य साधन के अंतर्गत आ जाएंगी, संवाद सामग्री हो गई। तो क्वेश्चन जनरली आप किसी से क्रिएट होते हैं कि सबसे पहली बात कि शिक्षण सहायक सामग्री कितने प्रकार की होती है, तो देखिये 3 प्रकार की होती है, श्रव्य साधन, दृश्य साधन, श्रव्य दृश्य साधन। अब इसके अंतर्गत क्या क्या आता है तो ये पूछ लिया जाएगा, हम एमसीक्यू लेके आएंगे तब उसमें हम आपको समझाएंगे। चलिए आप एक एक करके देख लेते हैं। श्रव्य साधन को पहले देख लेते हैं, श्रव्य साधन क्या होते हैं। श्रव्य का मतलब पहले बताया था कि सुनना, यानी कानों से जिसको हम सुनते हैं। श्रवण इंद्रियां होती हैं, इनका संबंध इनसे होता है और इन्हें श्रवण कर छात्र ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो उदाहरण के लिए रेडियो, टेप रिकॉर्डर, ग्रामोफोन इत्यादि जो हो गए आजकल के स्मार्टफोन में, इनमें लगभग सभी श्रव्य साधनों को आत्मसात कर लिया है। तो ये सभी श्रव्य साधन के अंतर्गत आते हैं, ठीक है ना। तो ये जो होते हैं ये एक तरह से काल्पनिक शक्ति को दीप्त करती है, ठीक है ना, क्योंकि सुनती है, इसमें सिर्फ सुना जा सकता है। तो रेडियो देखिए क्या है, रेडियो महत्वपूर्ण उपकरण होता है और ये प्राचीन काल से चला आ रहा है। खासतौर पे अगर हम ग्रामीण अंचल की बात करते हैं, वहाँ पे आजकल ये रेडियो ही उनका एक साथी बना हुआ है समाचार के लिए, सभी चीज़ों के लिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे थोड़ा सा यह भी है कि 1936 में आकाशवाणी के पहले समाचार बुलेटिन का प्रसारण हुआ था। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन ये भी बन जाता है आपका कि आकाशवाणी के पहले समाचार बुलेटिन का प्रसारण कब हुआ था, तो 1936 में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन भी इससे पूछे जाते हैं, ओके। और 1937 में रेडियो पर स्कूल प्रसारण सबसे पहले कलकत्ता रेडियो स्टेशन पर किया गया था, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट बन सकता है क्योंकि यहाँ पे स्कूल प्रसारण की बात चल रही है। तो स्कूल प्रसारण का जो सबसे पहले प्रयोग 1937 में किया गया था और किस रेडियो स्टेशन पर किया गया था, तो कलकत्ता रेडियो स्टेशन पर किया गया था। और इसी वर्ष भारतीय स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस और ऑल इंडिया रेडियो बन गई और अब वर्ष 1957 में विविध भारती की शुरुआत हुई थी। तो विविध भारती की शुरुआत कब हुई, तो 1957 में हुई थी। यस, थोड़े जो आप हैं इनको आपको याद रखना होगा, ओके। फिर टेप रिकॉर्डर है, तो देखिए टेप रिकॉर्डर के माध्यम से किसी भी प्रकार के जो प्रकरण होते हैं, जो कंटेंट होते हैं, ठीक है ना, किसी के डायलॉग वगैरह हैं, वार्तालाप है, किसी की बातें हैं, उनको वहाँ पे कक्षा में सुनवाया जाता है, ठीक है ना। तो इसका जो प्रयोग होता है टेप रिकॉर्डर का, तो निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण में भी किया जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ग्रामोफोन, लिग्वाफोन, ये रेडियो की भांति होते हैं, प्राचीन काल में यही फोन चला करते थे। अब दृश्य साधन यानी वीडियो एड्स जिसे हम कहते हैं, जिसे हम देख सकते हैं। तो दृश्य साधन का दृश्य का अर्थ होता है देखना, तो इनका प्रयोग ये, इसका मतलब ये हुआ कि ये साधन जिनका प्रयोग छात्र देख करके करते हैं, ठीक है ना। इनका संबंध नेत्रों से होता है, श्याम पट्ट चित्र, मानचित्र, मूक चित्र और विस्तारक जो यंत्र होते हैं ये सभी दृश्य साधन के अंतर्गत आते हैं, जिनको देख के बच्चों को पढ़ाया जाता है, बच्चे इनको देखते हैं और पढ़ते हैं, ठीक है। अब दृश्य सहायक सामग्री के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं, इसी से एमसीक्यू बनता है। तो चार्ट हो गया, चार्ट में किसी वस्तु के प्रतिमान यानी मॉडल्स जो होते हैं उनको उपलब्ध ना हो तो चार्ट, ग्राफ आदि इत्यादि के माध्यम से भी उसको पढ़ाया जा सकता है। तो एक चार्ट हो गया, ठीक है। और मानचित्र एवं ग्लोब जो वेरी इंपॉर्टेंट है, मैप्स एवं ग्लोब जो होते हैं किसी भी जगह की भौगोलिक स्थिति को दर्शाने के लिए, एक स्थान से दूसरे स्थान को दर्शाने के लिए, यहाँ अमेरिका कितनी दूर है, क्या क्या वहाँ के संसाधनों को दर्शाने के लिए, क्षेत्रफल दर्शाने के लिए, जलवायु को बताने के लिए, पर्यावरण आदि को समझाने के लिए मानचित्र एवं ग्लोब का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। इसमें मानचित्र बनाना होता है, इसको मानचित्र कला भी कहा जाता है। उदाहरण के लिए पृथ्वी का ग्लोब हो जाता है, ठीक है। इसी तरह से प्रतिमान यानी जो मॉडल्स होते हैं कि किसी भी कारणवश प्रत्यक्ष वस्तुओं का उपयोग संभव नहीं हो पाता है, तो उसमें हम क्या करते हैं, मॉडल से उसको, जैसे कि हमने बता दिया कलकत्ता में एक बिल्डिंग है, लेकिन उस बिल्डिंग को हम कैसे दिखाएंगे, तो हम प्रतिमान मॉडल्स के द्वारा दिखा सकते हैं, अवेलेबल है। ताजमहल हम उसको नहीं दिखा सकते, तो ताजमहल का हमने मॉडल दिखा दिया। जब किसी चीज़ को हम दिखा नहीं पाते हैं वास्तविक रूपों में, तो हम मॉडल के रूप में उन चीज़ों को दिखाते हैं, पढ़ाते हैं और समझाते हैं। पौधे पत्तियों के बारे में, जंतुओं के अंगों के बारे में हम मॉडल्स, स्केलेटन जो होता है उसको भी हम मॉडल के रूप में ही दर्शाते हैं और समझाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मॉडल्स हो गया, स्लाइड्स हो गई। स्लाइड्स का प्रयोग भी काफ़ी लाभदायक होता है और यूज किया भी जाता है, क्योंकि इसको माइक्रोस्कोप के माध्यम से देखा जाता है, स्लाइड को प्रोजेक्टर के माध्यम से प्रदर्शित करते हैं, इसलिए प्रोजेक्टर की आवश्यकता यहाँ पे पड़ती है स्लाइड्स के रूप में। फिल्म स्क्रिप्ट एवं फिल्म हो गया, तो ये दृश्य साधन के अंतर्गत आ गया। अगर हम शब्द दृश्य साधन की बात करते हैं, थोड़ी यहाँ पे पीडीएफ डल है, तो दृश्य शब्द साधन उपकरणों का संबंध छात्रों की आंखों एवं कानों दोनों से है, यानी जहाँ पे बच्चे देखते हैं और सुनते भी हैं दोनों का एक साथ प्रयोग करते हैं, वो शब्द दृश्य साधन कहलाता है। टेलीविजन, चलचित्र, नाटक इत्यादि हो गए, यहाँ पे हमने थोड़ा सा इसके लाभ होते हैं वो भी यहाँ पे दिए हुए हैं। यहाँ पे सीमाएं इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि यहाँ पे शब्द दृश्य कुछ जो
साधन है वो कौन कौन से हैं। मल्टीमीडिया हो गया, एक से अधिक साधनों का संयोजन एक साथ कई रूपों में हम कर सकते हैं, है ना। ऑडियो विषय, अच्छा चित्रात्मक ऑडियो, फिल्म वीडियो सभी के लिए हम करते हैं, चलचित्र सिनेमा हो गया। यहाँ पे एक चीज़ देख, समाचार पत्र हो गया, टेलीविज़न हो गया, श्याम पट्ट हो गया। श्याम पट्ट का प्रयोग तो स्कूलों में 100% किया ही जाता है, अब कहीं कहीं पे तो आजकल जो है प्रोजेक्टर के माध्यम से भी पढ़ाया जाता है। श्याम पट्ट तो पुराने टाइम से चला आ रहा है, ग्रामीण विद्यालयों में भी श्याम पट्ट का प्रयोग किया जाता है, प्रोजेक्टर जो होता है उसे देखा जाता है, ठीक है ना। शब्द सामग्री का अभाव पाया जाता है विद्यालयों में, तो श्याम पट्ट का ही प्रयोग वहाँ पर किया जाता है, चाकबोर्ड से भी इसे कहा जाता है, ठीक है। श्याम पट्ट भी कई प्रकार के होते हैं, लकड़ी के श्याम पट्ट होते हैं, स्थिर श्याम पट्ट होते हैं, स्टैंड पर श्याम पट्ट होते हैं, चलित श्याम पट्ट, सीमेंट का श्याम पट्ट, चुंबकीय ग्लास होते हैं, ठीक है ना। यहाँ भी थोड़ा सा देख लेते हैं कि वास्तविक पदार्थ होता है जो कि शिक्षा के क्षेत्र में प्रत्यक्ष वस्तुएं एक महत्वपूर्ण होती हैं। तो यहाँ पे वास्तविक पदार्थ, संवाद सामग्री, हालांकि यहाँ पे जो वेरी इंपॉर्टेंट आपका है प्रदर्शन बोर्ड, इस क्योंकि श्याम पट्ट, चाक बोर्ड, सफेद बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड, फलालैन बोर्ड, ये सभी जो होते हैं पेज बोर्ड प्रदर्शन बोर्ड के अंतर्गत आते हैं, और ये सभी भी महत्वपूर्ण सहायक शिक्षक सामग्रियाँ हैं, ठीक है। और गतिविधि सहायक सामग्री भी होती है, कुछ आपसे क्वेश्चन पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि सहायक सामग्री के अंतर्गत आती हैं या नहीं आती हैं। एक्टिविटी एड्स के अंतर्गत के क्षेत्र में वेरी इंपॉर्टेंट होता है, जब हम जब तक यदि हम पर्यावरण के बारे में बच्चों को पढ़ा रहे हैं और जब तक हम बच्चों को वहाँ लेके नहीं जाएंगे तो बच्चों को समझ में नहीं आएगा, लेकिन जैसे हम उनको वहाँ का भ्रमण करवा देंगे, दिखा के पढ़ाएंगे, तो बच्चे बहुत अच्छे से उन चीज़ों को समझ जाते हैं, ठीक है ना। किसी भी चीज़ को हम बैंक के बारे में बता रहे हैं, मंदिर के बारे में, भवन के बारे में बता रहे हैं, किसी पर्टिकुलर पार्क के बारे में बता रहे हैं, पेड़ पौधों के बारे में बता रहे हैं, तो हमें उस चीज़ को जाके दिखा के पढ़ाना ही क्या कहलाता है, प्रत्यक्ष भ्रमण कहलाता है, ठीक है। क्षेत्र भ्रमण हो गया, प्रयोग हो गया, प्रयोग के रूप में भी हम बच्चों को पढ़ाते हैं, नाटक के रूप में भी पढ़ाते हैं, संदेश देते हैं, एक मैसेज देते हैं। शिक्षण मशीनें भी बहुत सारी होती हैं जिनमें हम ड्रिल करने की आवश्यकता होती है, ठीक है ना। उदाहरण के लिए गणित या कोई विदेशी भाषा हो गई, तो ये भी चीज़ें आपकी गतिविधि के अंतर्गत आती हैं, गतिविधि शिक्षण सहायक सामग्री के अंतर्गत आती हैं, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें दी हुई हैं, आप देख लीजिएगा। प्रभावित करने वाले कारक भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन जितना इंपॉर्टेंट होता है आपका सहायक शिक्षक सामग्री कौन कौन सी होती है, और जो सहायक शिक्षक सामग्री होती है उससे संबंधित क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं। तो ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और नेक्स्ट वीडियो का वेट करिएगा जिसमें हम आपको बताएंगे इसके इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू लेके आएंगे, और उसमें हम आपको बकायदे डिटेल से समझाएंगे। तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ हम आपसे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।